मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक अल्पसंख्यक क्षेत्र में चुनाव सभा पर कांग्रेस के समर्थकों ने हिंसक हमला किया, गाड़ियों पे तोड़फोड़ की, अपने साथ वे पिस्तौलें और हथियार लेकर आए और नजमा हेपतुल्ला जी तथा तापिर गांव जी की इस सभा को बचाने के लिए वहां के सुरक्षा बलों को 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलानी पड़ी। सौभाग्य से सभी नेता और हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित हैं। हम इस घटना की गहरी निंदा करते हैं। यह मणिपुर के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिभोवी सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का एक कार्यक्रम था, जो यह शत प्रतिशत मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे नजमा हेपतुल्ला जी और बिभोवी सिंह जी अपनी चुनाव सभा में भाषण दे रहे थे, तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर उन पे और समर्थकों पे हमला बोल दिया। अनेक गाड़ियाँ तोड़ दी उन्होंने, कांच तोड़ दिए और वे इससे पहले के अपने साथ लाए हथियारों से गोलियां चलाते, जो नजमा जी और तापिर गांव जी को निजी सुरक्षा व्यवस्था थी उनकी, तो मणिपुर राइफल्स के जवानों ने उन हमलावरों पर गोलियां चलाईं। 100 से अधिक गोलियां वहां चली और वे हमलावर उन गोलियों के कारण भाग गए। इस घटना की हम तुरंत जांच की मांग करते हैं। लोकतंत्र पर जिस प्रकार से दिल्ली से मणिपुर तक कांग्रेस हमले कर रही है, वह एक शर्मनाक अध्याय और आपातकाल की याद दिलाने वाला कृत्य है। नजमा जी और तापिर गांव जी वहां पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में हिम्मत के साथ में चुनाव सभा के लिए गए थे और बहुत भारी संख्या में अल्पसंख्यक वहां पर उनकी सभा में मौजूद थे। यह चुनाव क्षेत्र मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है और इस कारण वहां की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और सफलता देखकर कांग्रेस बौखला गई और वह अब इस शर्मनाक स्तर पर उतरी है कि चुनाव प्रचार में भी वह अपने समर्थकों से हमले करवा रही है। हम मांग करते हैं कि बिभोवी सिंह इस पर स्पष्टीकरण दें और माफ़ी मांगे। दुर्भाग्य से अभी तक वहां के कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या मुख्यमंत्री ने हमारी राष्ट्रीय नेता नजमा हेपतुल्ला और तापिर गांव से कोई संपर्क तक नहीं किया और उनको घटना के बारे में कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह घटना आज 10:30 से 12 के बीच में हुई है और उनके साथ में उस थौबुल जो चुनाव क्षेत्र है वहां से जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है इंदिरा ओइनम तथा मणिपुर भाजपा के अध्यक्ष श्री शांति कुमार भी थे और बहुत भारी सभा थी ये जिस पर कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया। हम इसकी जांच की मांग करते हैं। तुरंत इसकी मणिपुर सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए और इसका मणिपुर के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि अपने हार से बौखलाए वे कांग्रेस के लोग क्या अब हमलों के माध्यम से जीतना चाहेंगे? क्या अब वे लोकतंत्र को हथियारों और डंडों के माध्यम से निर्देशित और अपने पक्ष में करना चाहेंगे? क्या अब उनके द्वारा शासित राज्यों में विपक्ष को अपना चुनाव प्रचार करने का भी अधिकार नहीं होगा? इन प्रश्नों का जवाब कांग्रेस को देना होगा।